वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। साखी हक की कमाई। सिख ना तो कदे किसी को मंग के खाता है तो ना ही किसी उपर जुलम करके जा बेईमानी नाल धर्म की किरत करता है। सिख हमेशा धर्म की किरत करता है और अपने दसा नूहां की कमाई विचों दूजे भी मदद करता है। सैदपुर विखे ऐसा एक व्यक्ति पलड़ रहा जो अपनी मेहनत नाल अपनी रोटी खुद कमाता सी। भावे वह आप गरीब सी पर फिर भी वह अपने कोलों ही गरीबां रोटी लोड़वंदां रोटी खवाता सी। वह तरखाना का काम करता सी। तरखान होने करके लोग उसनू नीवी जाति दा समझदे सन। श्री गुरु नानक देव जी कीर्तियां दा सत्कार करदे सन। इसलिए जब श्री गुरु नानक देव जी अहमदाबाद विखे आए तो वो भाई लालू जी पास ठहरे हुए सन। अहमदाबाद दा हाकम दा एक अहलकार भाई मलक भागो सी। भाई मलक भागो बहुत रिश्वतखोरी अते गरीबां खून चूसन वाला बंदा सी। इस करके अखौती नीवी जातां वाले अते गरीब लोग उस तों बाद दुखी सन। भाई मलक भागो हर साल रिश्वत की कमाई विचों कड़ाह पूड़ी का लंगर करता सी। जाबरी साहब नूं उत्थे रोटी खवा दिंदा अते धर्मी होण दा नाटक करता सी। भाई मलक भागो ने श्री गुरु नानक देव जी ने भी उसके कड़ाह पूड़ी के लंगर से बुलवा लिया। तो श्री गुरु नानक देव जी उत्थे ना आए। भाई मलक भागो ने इस अपनी बेइज्जती समझी तो उसने अपने सिपाही भेज के श्री गुरु नानक देव जी ने बुलाने वास्ते भेजा। तो श्री गुरु नानक देव जी उत्थे आए। मलक भागो ने श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम मेरे ब्रह्मपुर क्यों नहीं आने तो इनकार किया। तो अगो गुरु जी ने बड़ी संगत में बड़ी दृढ़ ने जवाब दिता कि मलक भागो तेरी कमाई हक की नहीं है। तू गरीबा के खून चूसदा है तू गरीबा का खून चूसदा है। तो मलक भागो ने कहा कि तुसी नीवी जात वाले भाई लालो जी की कोदरी सुखी कोदरी की रोटी तो खा ली है पर मेरी रोटी क्यों नहीं खा। तो गुरु जी ने कहा कि तू गरीबा का खून चूसदा है तो भाई लालो हाथी किरत करता है अते प्रभु का सिमरन करता है वंड के चकदा है। यह सब खरिया सुन के मलक भागो बहुत शर्मिंदा होया। उसका अहंकार टुट गया। उसने अगे तो उसने रिश्वत लैन तो तौबा की। सानू इस साखी तो सिक्ख्या मिलती है कि सानू कदे भी रिश्वतखोर नहीं बनना चाहिए। प्रभु का सिमरन करना चाहिए अपने धर्म की किरत करनी चाहिए है। धन्यवाद।